लेकिन इसके साथ ही इस समय की एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं, वो ये कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि 8 जून को, यानी वो दिन जिस दिन रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ा था, उसने वहां से निकलने के बाद महेश भट्ट को मैसेज किया था। रिया ने मैसेज किया था महेश भट्ट को, व्हाट्सएप चैट उनकी हुई थी महेश भट्ट से 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ने के बाद। सूत्रों के हवाले से यह खबर हमारे सामने आ रही है। 8 जून के को जब सुशांत सिंह राजपूत का घर रिया चक्रवर्ती ने छोड़ा था, किन परिस्थितियों में छोड़ा था, छोड़ने के बाद क्या हुआ था, क्योंकि रिया बार बार यही कहती रही कि उनको हमेशा चिंता लगी रहती है सुशांत की और डिप्रेशन में थे। तो अगर किसी को किसी की चिंता हो, वो व्यक्ति डिप्रेशन में हो, तो घर से चले जाना, न सिर्फ चले जाना बल्कि नंबर को भी ब्लॉक कर देना, ये बहुत सारे सवाल हैं जो सामने छूटते जा रहे हैं। और इस सब के बीच रिया चक्रवर्ती के इस मैसेजिंग की बात सामने आई है कि सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को मैसेज किया था, व्हाट्सएप चैट की बात सामने आ रही है, जिसमें उन्होंने लिखा था आयशा मूव्स ऑन। एक फिल्म थी जलेबी जिसमें रिया के कैरेक्टर का नाम था आयशा, और आयशा मूव्स ऑन लिखना अपने कैरेक्टर से जोड़कर महेश भट्ट को बताना। साहिल जोशी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं सीधे मुंबई से। साहिल, क्या मायने निकाले इसके? देखिए, इसको अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें तो ये बात निकल कर आती है कि कुछ दिन पहले रिया चक्रवर्ती के वकील, उनके तरफ से एक बयान जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती को सुशांत का घर छोड़ना पड़ा था बांद्रा में, जहां पर उनका शव मिला 14 तारीख को, और उसके बाद उनकी बहन वहां पर पहुंची थी, सुशांत की मीतू। वो घर जब उन्होंने छोड़ा, उस वक्त जिस तरीके से उनको ये घर छोड़ना पड़ा, उनका ये कहना है कि उसमें लिखा था कि सुशांत ने उसको, रिया को कहा कि आप वो उनके साथ उसके साथ नहीं रहे और अपने पेरेंट्स के पास कुछ दिनों के लिए चली जाए। उसके बाद वह जब वहाँ से घर से निकली, उसके बाद ये मैसेजेस महेश भट्ट को रिया चक्रवर्ती ने किए हुए हैं, और इस मैसेजेस में आप साफ देख सकती है ग्रैब्स मैसेजेस के हमारे पास है। उसके मुताबिक वो उनको कह रही है कि आयशा, यानी जो उनकी फिल्म का कैरेक्टर है, जलेबी नाम की फिल्म महेश भट्ट ने प्रोड्यूस की थी जिसमें रिया चक्रवर्ती ने आयशा नाम का कैरेक्टर प्ले किया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि किस तरीके से वो अभी एंग्शियस फील कर रही है लेकिन रिलैक्स भी फील कर रही है उसके साथ साथ। ये अगर उनके मैसेजेस अगर मैं पढ़ूँ तो उसमें ये साफ लिखा है कि विथ हैवी हार्ट एंड सेंस ऑफ रिलीफ आई हैव लेफ्ट। उसके साथ महेश भट्ट उनको ये भी कहते